चीन के घुसपैठी सैनिकों को जिन फौजों ने पीटा वो J&K राइफल्स सिख और जाट रेजिमेंट के थे। लेकिन भारतीय सेना के पास एक ऐसी टीम है जो पहाड़ों पर युद्ध के लिए ही प्रशिक्षित हुई है। ये चीनियों को चींटी की तरह मसल सकते हैं, उनसे लोहा ले सकते हैं। ये भारतीय फौज के माउंटेन वॉरियर्स हैं। ये जवान है भारतीय सेना के माउंटेन स्ट्राइक कोर से। इसे 17th कोर भी बुलाया जाता है, लेकिन प्यार से फौजी से ब्रह्मास्त्र कोर भी बुलाते हैं। यह साल 2013 से लगातार सक्रिय है और इनकी ट्रेनिंग बेहद कठिन होती है। माउंटेन स्ट्राइक कोर के जवानों को क्लोज कॉम्बैट, क्वार्टर कॉम्बैट, कोल्ड वेदर्स वारफेयर, कंबाइंड आर्म्स, घुसपैठ रोधी अभियान, आतंकवाद रोधी अभियान, फॉरवर्ड ऑब्जर्वर, जंगल वॉरफेयर, माउंटेन वॉरफेयर, हमला, रेड, जासूसी और शहरी वॉरफेयर में प्रशिक्षित होते हैं। माउंटेन स्ट्राइक कोर का मुख्यालय पश्चिम बंगाल के पन्नागढ़ में है। यह पूर्वी कमांड यानी कि ईस्टर्न कमांड के अंदर आता है। माउंटेन स्ट्राइक कोर में फिलहाल 2 डिवीजन है। 23 इन्फेंट्री डिवीजन, यह रांची में स्थित है, और दूसरी 59th इन्फेंट्री डिवीजन जो पन्नागढ़ में है। इसमें 6 ब्रिगेड्स हैं, 3 इन्फेंट्री, 1-1 इंजीनियरिंग, एयर डिफेंस और आर्टिलरी ब्रिगेड है। माउंटेन स्ट्राइक कोर का मैस्कट स्नो लियोपॉल्ड है, जो ताकत, बहादुरी और चलाक शिकारी होता है। माउंटेन कोर का मुख्य काम है अक्साई चीन और अरुणाचल प्रदेश में चीनों से सीमा की सुरक्षा करना, क्योंकि तिब्बत के साथ भारत की 4057 किलोमीटर लंबी सीमा है। इनकी लंबी सीमा पर सुरक्षा के लिए प्रशिक्षित जवानों की जरूरत है, जो माउंटेन कोर से बेहतर कोई नहीं हो सकता। इस कोर में पहले करीब 1200 ऑफिसर्स और 35,000 फौजी हैं, लेकिन हमारे जवानों से चीनी ज्यादा थे। इसी बार माउंटेन कोर में जवानों की संख्या बढ़ाई जाने लगी। प्लान बनाया गया इसमें 90,000 फौजियों को रखने की। इस कोर को धीरे धीरे बढ़ाया जा रहा है, इसकी ताकत, हथियार, संख्या, सुविधाएं लगातार बढ़ाई जा रही हैं। चीन और भारतीय सेना के बीच हुई झड़प के बाद से अरुणाचल प्रदेश का त्वांग एक बार फिर चर्चा में है। भारत चीन के बीच सीमा विवाद की वजह से त्वांग में भारतीय सेना के मिलिट्री वाहनों की आवाजाही ज्यादा रहती है। हालांकि त्वांग अपनी बेमिसाल खूबसूरती और बौद्ध मठों के लिए मशहूर है। यहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य, बर्फीले पहाड़ और हरी भरी वादियाँ सैलानियों का मन मोह लेती हैं। यहाँ पर एशिया का सबसे बड़ा मठ त्वांग भी है। अपने बौद्ध मठों के लिए यह शहर पूरी तरीके से पहचाना जाता है। अरुणाचल प्रदेश के मुख्य आकर्षण में शामिल त्वांग मठ, यानी कि जिसे त्वांग मोनेस्ट्री भी कहा जाता है, को गोल्डन नामग्याल ल्हासे के नाम से भी जाना जाता है। यह मठ समुद्र तल से लगभग 3,000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। इसे भारत के सबसे बड़े और दुनिया के सबसे बड़े मठ का दर्जा प्राप्त है। यह करीब 400 साल पुराना है, जो 300 से भी अधिक बौद्ध भिक्षुओं के आश्रम स्थल के रूप में जाना जाता है। त्वांग की झीलें इस शहर की खूबसूरती को और ज्यादा आकर्षक बनाती हैं। यहाँ नागुला लेक, सेला पास, माधुरी लेक, पांगतेंग सो लेक, हार्ट लेक, बंगा जांग लेक जैसे कई लेक हैं, जो सैलानियों के बीच काफी मशहूर हैं। त्वांग की नदियां और झरने भी पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। बेहद शांत और सुंदर नदियों के पास अक्सर लोग घूमने फिरने और पिकनिक मनाने के लिए आते रहते हैं। त्वांग जाने के लिए सबसे अच्छा समय मार्च से सितंबर महीने का है, क्योंकि ये जगह गर्मियों और मानसून में घूमने के लिए परफेक्ट है। लेकिन अगर आप बर्फबारी और बर्फ से ढके पहाड़ों का मजा लेना चाहते हैं, तो आप यहाँ सर्दियों के मौसम में आएं। हालांकि सर्दियों में यहाँ का तापमान 1 से 3 डिग्री के आसपास रहता है। त्वांग पहाड़ी इलाका है और यहाँ कोई एयरपोर्ट या रेलवे स्टेशन नहीं है। सबसे नजदीकी एयरपोर्ट आसाम का तेजपुर है, जो त्वांग से लगभग 317 किलोमीटर की दूरी पर है। आप तेजपुर से त्वांग जा सकते हैं। हालांकि देश के अन्य हिस्सों से त्वांग पहुंचने के लिए गुवाहाटी एयरपोर्ट ज्यादा बेहतर है, जो त्वांग से करीब 480 किलोमीटर की दूरी पर है। यहां से सड़क मार्ग से त्वांग आप जा सकते हैं। सड़क मार्ग त्वांग पहुंचने का सबसे लोकप्रिय और आसान साधन है। आप बस या कैब हायर कर त्वांग पहुंच सकते हैं। त्वांग में कोई रेलवे स्टेशन नहीं है। इसका सबसे नजदीकी रेलवे स्टेशन असम का रंगापाड़ा है। रंगापाड़ा से त्वांग की दूरी करीब 383 किलोमीटर है। रंगापाड़ा रेलवे स्टेशन से आपको आगे का सफर कैब या बस से करना होगा। तो दोस्तों, अगली वीडियो में फिर मिलते हैं कुछ और इंटरेस्टिंग फैक्ट और न्यूज़ के साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।